हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन। ड्राई चिली चिकन बनाने के लिए पहले मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से काट लिया, चिकन बोनलेस कर लिया है और अपने तमाम जो हैं इंग्रेडिएंट्स को मैंने रेडी करके रख लिया है। सबसे पहले जी हमने अपने चिकन को बोनलेस क्यूब कटिंग में काट लिया, उसमें मैंने मैदा सॉल्ट डाल के जी है और डाल के मैदा डाल के इसको मैंने जो है मिक्स कर लिया। फिर उसमें पानी डालकर इसको जो है मैं इसका मिक्सचर सा बना लूँगी। ये देखें जी मैंने इसमें मैदा डाला है अपने चिकन में और सॉल्ट डाला जस्ट, और ब्लैक पेपर लाइट से डाल कर और पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अपने चार राइस को मैंने भिगो दिया है और जी मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है ताकि अपने चिकन की जो बूटियाँ हैं उनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लें। ड्राई चिकन चिली चिकन बनाने के लिए हम जो चिकन को है वो पहले फ्राई करना होता है और फिर उसके बाद साथ साथ जी मैं दही भल्ले भी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने दही भल्ले की सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं क्योंकि ये मेरी फेवरेट है डिश है दही भल्ले। तो ये चिकन है जो हमारे जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, मैंने इसमें मैदा डाला है और जी वाटर डाला है और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालकर इसको मैंने जो है उसको बना के रखी है। अब जो है चिकन को है आपके ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, उसमें चिकन की बोटियों को तमाम जो है वो हम इस तरह डालते जाएंगे और फ्राई कर कर इनको रखते जाएंगे। फिर जो है ये देखें जी कितनी खूबसूरत सी हमारी प्यारी प्यारी चिकन की जो है वो तैयार हो रही है, फूलती जाएंगी और ये खूबसूरत सी नरम सी तैयार हो जाएंगी। ये हमारे सालन के लिए जो है मुझे ड्राई चिली चिकन बनाना है, इसमें जो है ये फ्राई करके डालते हैं। अगर आप अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, बता दें कि कैसे लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। ये चिकन जो है सारा मैंने कर लिया है, डाल दिया है, अब इसको ये फ्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी का चिकन रह गया वो आहिस्ता आहिस्ता सारा हम फ्राई कर लेंगे एंड देन जी हमारी ये चिकन की जो नीचे ये तैयार हो गया हमारा खूबसूरत सा। ये देखिए कितनी प्यारी, ये दूसरा वाला चिकन था जो मैं रखी वो मैंने साथ कर लिया है। ये हमारा चिकन सारा प्रिपेयर हो गया है, सारा चिकन तैयार हो चुका है। अब जी हम इसका बनाते हैं ड्राई चिली चिकन। इसको उसमें हम डालते हैं, इसका मसाला बनाते हैं, साथ साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले ऑयल पैन में हमने ऑयल डालना है, उसमें हमने चिकन की बोटियाँ डाल देंगे सारी, फ्राई चिकन जो हम इसके में डाल देंगे। फिर हम इसके में डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस ये हमने क्यूब कटिंग जो है डाला हुआ है, शिमला मिर्च और अनियन को मैंने क्यूब कटिंग में डाल लिया है। आपने देखा होगा बाहर से आप खाते हैं तो इसमें जो है इसी तरह की सब कुछ डालते हैं। मैंने सोया सॉस ऐड कर दी है, सोया सॉस मैंने ऐड करने के बाद भी इसमें डालना है चिकन, चिली सॉस, चिकन ये चीज़ें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की हैं। जितना चिकन उस हिसाब से ऐड कर लें, अगर चिकन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चिली सॉस डाल लें, सोया सॉस डाल लें, अगर कम है तो आप 1 टेबल स्पून रखें। ये मैंने जी ग्रीन चिली सॉस कट लगा के रख लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखें ये हमारा ड्राई चिली चिकन प्रिपेयर हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको सारा तैयार करके फिर दिखाऊंगी, फिर इसको हम डालेंगे केचप एंड फिर हम इसमें केचप डाल देंगे और ये यहीं का हमारा ड्राई चिली चिकन का सालन प्रिपेयर हो चुका है। अब इस वक्त आप कुछ भी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं फॉक के साथ, लेकिन हम लोग जो है वो राइस प्रेफर करते हैं। ये मैंने केचप डाल दिया है, केचप आप कोई भी डाल सकते हैं, चिली डाल लें, टमाटो केचप डाल लें, मैंने दोनों को मिक्स करके डाला है ताकि दोनों का फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलरफुल सा हमारा ड्राई चिली चिकन प्रिपेयर हो गया। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बना था, आपने लाजमी ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा है मेरा ये मेरी डिश कैसी लगी है, और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको बाकी भी डिशेज़ कैसी लगती हैं। ये मैंने जी अब राइस मैंने इसके साथ प्रिपेयर करने हैं, चाइनीज़ फ्राई फ्राइड राइस प्रिपेयर करूँगी। वेजिटेबल्स डालती हैं इसमें मैंने, कैप्सिकम, गाजर और बंद गोभी मैंने ऐड कर दी ऑयल में, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर, सोया सॉस, चिली सॉस एंड सिरका डाल देंगे एंड इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने तीनों चीज़ें ऐड की हैं, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका एंड 1 टेबल स्पून चिली सॉस। हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी ज़्यादा थी तो उसमें मैंने जो है दोनों चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डाल दी हैं। अब जी हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड देन हमने चावल जो है वो बॉयल कर लिए थे, बॉयल चावल इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करके हमारा ये राइस भी प्रिपेयर हो गया। देखें ज़रा थोड़े से मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ये झटपट तैयार हो जाते हैं राइस। बस कटिंग होती है इसमें, कटिंग का काम करना मुझे डिफ़िकल्ट होता है, बाकी सब कुछ हम जो है जल्दी से बना लेते हैं। ये मैंने राइस बॉयल कर लिए थे, अपना जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया इसमें मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था अपने इस मसाले में, दैन हम इसमें डाल देंगे राइस में, ये हमने डाल दिए और हम भी साथ इसमें
कटा हुआ था हरा प्याज, वो भी ऐड कर देंगे। और जी हमारे खूबसूरत से राइस थे, अगर चाहे एग भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़रा इसमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे बनाने, लेकिन आपने तो आप जरूर ऐड कर लीजिए। तो ये देखें हमारे कितने खूबसूरत से यमी यमी से राइस तैयार हो चुके हैं। सॉल्ट डाला था और ये अपने जो सब्जी वाला मिक्सचर है उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट डाला है। और ये हमारे फ्राइड राइस और साथ हमारा ड्राई चिली चिकन का सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए रेस्टोरेंट्स राइस स्टाइल्स हैं जो हमारा है, ड्राई चिली चिकन प्रिपेयर हो चुका है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, राइस के साथ सर्व करें, आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका तो राइस प्रिपेयर किए हैं। और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा यमी बना है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा।